हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, आप देख रहे हैं गया बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हमारे साथ हैं विजय कुमार मांझी जी, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी मस्तीपुर में एक घटना हो गया है, और ये घटना को लेकर के अभी हम लोग आए हुए हैं नदी में, जहां दाह संस्कार किया जाता है, और सर भी उपस्थित हैं। सर से हम जानना चाहेंगे कि उनका परिवार था और उनके परिवार को अब कैसे निर्वाह होगा, जीवन का निर्वाह होगा, इसी के लेकर के हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आज हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा दुखद घटना हुआ, और यूं कहिए मेरा सहपाठी भी था, मित्र भी था, जिसका देहांत कल जो है हार्ट अटैक के से हुआ है। और हम लोग एक जीवन जो कहते हैं शिक्षा से लेकर के राजनीतिक तक सफ़र में हम लोग दोनों साथ रहे हैं, और ये पूरा गांव के लिए आज ये भी जो सत्येंद्र पासवान जी का जो हार्ट अटैक से जो मृत्यु हुआ है, ये समाज में जुड़े हुए व्यक्ति थे, और जो भी समस्या अगर हमसे निष्पादन नहीं होता था ये निष्पादन करने का प्रयास करते थे। और हम लोग जो आज हमारा गांव जो बोध गया कि बुद्ध की धरती पे जो दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। इनके जाने से हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक यूं कहिए कि सदमा और पीड़ा हमको मिला, और खास करके यहाँ ग्रामीण जनता को भी। सर, आपसे एक सवाल और है मेरा कि इनका विवाहित थे और इनका बाल बच्चा भी हैं और परिवार भी हैं, तो अब सर आप लोग राजनीति क्षेत्र के लोग हैं और राजनीति करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, और अब इनका बाल बच्चों का शिक्षा और जीवन का निर्वाह कैसे होगा, इस पर आप लोग कैसे विचार कीजिएगा, कैसे इनको मदद कीजिएगा सर? देखिए, जहाँ तक होगा सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक परिवेश में उतार चढ़ाव, दुख सुख तो आता जाता रहता है, और हमारा प्रयास भी ये रहा है कि जो भी समस्या हो, और ये तो भाई मेरा यूं कही कि मेरा दोस्त भी था, जहाँ तक भी होगा सरकार का योजना का दिलाने का काम करूँगा, और जहाँ तक होगा हम लोग का प्रयास रहेगा, पूरा गांव का भी यही कथन है, मदद जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग करेंगे। इनका मृत्यु होने का जो मेन कारण था, किस प्रकार से इनको मृत्यु हुआ, कोई बीमार थे या ज़्यादा दिन से बीमार थे, या किस प्रकार से मृत्यु हुआ, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? देखिए, उम्र अगर देखा जाए तो हम लोग 52 वर्ष के आसपास है, और अभी का प्रचलन चला हुआ है हार्ट अटैक का, और कब किसके साथ घटना हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। और देखिए, ये जो घटना हुआ है अभी इनसे बड़े बड़े लोग जो हैं अभी जीवित हैं, अभी इस प्रकार का जो चल रहा है, कहीं कहीं बीमारी किस अंदर में क्या बीमारी किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन ये हार्ट अटैक जो उभर करके आ रहा है, नए युवकों का जो मृत्यु हो जा रहा है, ये बहुत बड़ा दुख की बात है। यानी इनका जो देहांत हुआ है हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। सर, अपना परिचय देंगे? मेरा नाम विजय कुमार मांझी है, और मैं महादलित प्रकोष्ठ का संयोजक भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव भी लड़ा था, और मेरा यही सामाजिक कार्यकर्ता यूँ कह लीजिए, समाज से जुड़ा हुआ समाज। तो ये थे हमारे साथ विजय मांझी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और अभी हम लोग हैं बोधगया के, जहाँ दाह संस्कार किया जाता है नदी में, फल्गु नदी में, वहीं उपस्थित हैं। एक हमारे भाई का देहांत हो गया था, वहीं उपस्थित थे। फिर मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।